बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन को शास्त्रों में देवतिथि और स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम और हयग्रीव की जयंती भी मनाई जाती है। ये दोनों ही चिरंजीवी थे, इनका क्षय नहीं हुआ था, इसलिए इस तिथि को अक्षय तिथि माना जाता है। पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि अक्षय तृतीया साल का एक ऐसा दिन है जब बिना किसी मुहूर्त के किसी भी शुभ काम को शुरू किया जा सकता है। अक्षय तृतीया का मतलब होता है क्षय का न होना, नाश न होना, जिस चीज का क्षय न हो, अक्षय फल हो, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। क्योंकि इसी दिन जो है हमारे चिरंजीवियों में भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ, तो चिरंजीवी हुए, उनका क्षय तो हुआ नहीं, उनका नाश हुआ नहीं। तो यह सत्य तिथि है, यह ईश्वरीय तिथि है और ये आध्यात्म की सबसे ऊंची तिथि मानी जाती है और इससे सबसे प्रशस्त मुहूर्त भी माना जाता है। इसलिए इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। इसी दिन हयग्रीव, भगवान हयग्रीव का भी जन्म हुआ था। इसी दिन युगादि तिथियों में त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था। तो त्रेता युग में आपको मालूम है कि स्वयं सत्य सिद्ध परमात्मा भगवान राम का अवतार हुआ और उन्होंने जो है असत्य का नाश करके सत्य की स्थापना की, सत्य में वो जयते का सिद्धांत दिया और सत्य को स्थापित किया। इस वजह से यह अक्षय तृतीया जो है इसमें किया हुआ दान पुण्य उसका क्षय नहीं होता है। व्रत उपवास हम कुछ भी करते हैं तो चूंकि यह सत्य तिथि ईश्वरीय तिथि होने के वजह से इसका नाश नहीं होता है, अक्षय फल मिलता है, इसलिए यह तिथि बहुत प्रशस्त और बहुत पुण्यात्मक तिथि मानी गई है। इस दिन हमको विशेष करके जल का दान, सत्तू का दान, पंखे का दान, श्री फल के रूप में हमको बेल का दान, स्वर्ण का दान, स्वर्ण आभूषण का दान, ये हमको करना चाहिए जिससे कि हमको अच्छे फल की प्राप्ति।